स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा बरासिया में झुर्रे कॉलोनी में इको पार्क में गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पेंच कन्हान भारतीय मजदूर संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष निर्मल रावत, संयुक्त कोयला मजदूर संघ क्षेत्रीय कल्याण समिति सदस्य रामनारायण सिंह ने महाप्रबंधक से की। बता दें कि भारतीय पेंच कन्हान के कार्यकारिणी अध्यक्ष निर्मल रहा और संयुक्त कोयला मजदूर संघ इटक रामनारायण सिंह ने पेंच एरिया के मुख्य महाप्रबंधक निर्मल कुमार से झुर्रे प्रश्न विहार कॉलोनी नेहरिया उपक्षेत्र में बनाए जा रहे इको पार्क संचालन के लिए निर्णय लेने हेतु स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान ये पाया कि कराए जा रहे कार्य की गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तरीय है। कराए जा रहे निर्माण की गुणवत्ता की जांच पूर्ण पारदर्शिता से तत्काल कराए जाने की आवश्यकता है। जो भी निर्माण कार्य हुआ है उसका मटेरियल निम्न स्तर व घटिया स्तर का है। बता दें कि तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने इको पार्क शिलान्यास न्यूटन चिखली नगर परिषद में किया था। पेंच प्रबंधन ने कोयला मंत्री पीयूष गोयल को धत्ता बताकर उनके आदेश को निरस्त कर प्रश्न विहार कॉलोनी झुर्रे में बनाया जा रहा है। परासिया से जगदीश पाल की रिपोर्ट। को हमारे क्षेत्र के जीएम साहब ने निर्देशित किया कि आप लोग जाएं और इको पार्क का भ्रमण करें और उसे कैसे चलाना है, उसका संचालन किस प्रकार से करना है, इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हम लोग तैयार करके हेडक्वार्टर में दे, ताकि जो इतना बड़ा पार्क हम लोग बना रहे हैं, WCL का ये दूसरा पार्क है, नागपुर क्षेत्र में एक पहले चल रहा है, तो इसका संचालन उचित ढंग से हो, इसी को लेकर 3 तारीख को पूरी क्षेत्रीय कल्याण समिति हमारी और साथ में क्षेत्र के पर्सनल के मुखिया भी हमारे साथ में थे कि हम सभी लोग जब वहाँ गए तो हम लोग वहाँ जो कार्य चल रहा था, मैंने कभी इससे ज़्यादा घटिया काम, इतना गुणवत्ता विहीन काम मैंने आज तक नहीं देखा। रेत का तो कहीं उपयोग ही नहीं हुआ है, उसकी जगह कोल डस्ट को क्या स्टोन डस्ट बोलते हैं उस पर बनाए जा रहे हैं। ऐसी निर्माण कार्य इतना गलत है कि जो पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं उसके ऊपर सिर्फ लोगों के चलने मात्र से अभी से क्रेक आ गए हैं, सब अभी से दिख रहा है कि वो टूट रहे हैं। जो साइड में कंक्रीट का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसको अगर आप जोर से उसके ऊपर हाथ रख दो तो वो टूट जा रही है। ये सब देख कर 4 तारीख को मेरे द्वारा आदरणीय GM साहब को एक पत्र लिखा गया, उसमें ये सब चीज़ के बारे में बताया गया कि यह जो गुणवत्ता इतनी ख़राब जो कार्य चल रहा है इस पर निश्चित ही ऊपर लेवल पर चर्चा करके इसकी जांच कराई जाए। जहां तक मेरा मानना है कि जो ठेकेदार इस कार्य को कर रहे हैं उनकी बहुत राजनीतिक पहुँच रखते हैं और ऐसे समय में एक उच्च कमेटी के द्वारा ही जांच कराई जाना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों के बस की बात नहीं है कि वो इसमें निष्पक्ष अपनी राय दे सके। और इसमें यहाँ के जो सिविल डिपार्टमेंट के लोगों ने भी जो अपना मुंह बंद करके रखा है, जो अनदेखी करी है, निश्चित ही लगभग 2 करोड़ का कार्य था जिसे बहुत ही बिलो रेट में लेकर ठेकेदार ने लिया और उसका प्रभाव निर्माण कार्य पर पड़ रहा है।